हेलो जी, कैसे सारे? दिस इज आरिस। आज के इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनाएंगे अगर आप स्टूडेंट होंगे या अगर आप काम करते हैं तो भी स्लाइस क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी से बना पाएंगे, जिसमें आपको नई इनकम प्रूफ देना है, नहीं आपको एक भी ज्वाइनिंग फीस देना है। और जैसे आपका कार्ड अप्रूव होगा आपको 300 रुपया जो है कैशबैक भी दिया जाएगा, जिसको आप अपने बैंक में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको जो 10 लाख तक का लिमिट दिया जाएगा, अगर आपका जितना भी लिमिट आता है अगर आप 3 महीने के अंदर में चुका देते हैं तो आपको 1 रुपया जो है आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, जितना पैसा है आपको सिर्फ उतना ही चुकाना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे स्लाइस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और कैसे आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड का नंबर सारा डिटेल मिलता है। तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करते चैनल पर सब्सक्राइब करना, चल वीडियो को स्टार्ट कर। तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्लाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको स्लाइस एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा और इसका रेफरल कोड भी मिलेगा, जो आपको रेफरल कोड इसको फिलअप करना पड़ेगा तो ही आपको 300 रुपया जो है मिलेगा। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको गूगल से आपको साइन इन कर लेना, कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके गूगल से साइन इन कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मोबाइल फ़ोन का नंबर एक डाल देना, जो भी मोबाइल फोन नंबर से आप स्लाइस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं मोबाइल फोन का नंबर डालेंगे और नीचे आप कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी जाएगा, 4 नंबर का ओटीपी को यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है और नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे आप क्या काम करते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, हेवन इन्वाइट कोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से ये जो इन्वाइट कोड है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस इन्वाइट कोड को डाल करके पहले आपको इन्वाइट कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। इन्वाइट कोड को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद से आप क्या काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट है या सैलरी है या फ्रीलांसर है, जो भी हो आप यहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन को यहां पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद से अगर आप वर्क सेलेक्ट किए होंगे तो यहां पे किस प्रकार का आप किस सिटी में वर्क करते हैं उस सिटी का आप नाम डालेंगे। उसके बाद यहां पे बहुत सारा सिटी का लिस्ट आ जाएगा, अपने सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे किस सिटी में आप वर्क करते हैं। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर सिटी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहां पर आपका जो भी क्या काम करते हैं वो क्या काम करते हैं सेलेक्ट करना, उसके बाद आपका मंथली इनकम क्या है, उसके बाद यहां पर आप कितने दिनों का आपके पास में एक्सपीरियंस ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल का मोबाइल फोन का नंबर आपको डाल देना, उसका आप क्या करना उसका नाम डाल देना। उसके बाद से आपका जो क्वालिफिकेशन हाईएस्ट वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे आप किस प्रकार के जगह पे आप रहते हैं, आपका खुद का या किसी रेंट पे रहते हैं या खुद का हाउस है, अगर आपका होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। आप जो भी एड्रेस पे रहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप करना है, उसके बाद आपका फादर का जो भी जेंडर यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पैन कार्ड का क्या नंबर है, पैन कार्ड का नंबर को डाल देंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ है यहाँ पे आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद से आपका जो भी एड्रेस होगा एड्रेस को यहाँ पे आप फिलअप यहीं पे कर देंगे। तो जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे उसके बाद आधार कार्ड से एड्रेस वेरीफाई करने के लिए तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पिन आप 4 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे अपने मन से कोई भी। उसके बाद से आपको नीचे आएंगे, नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मदर का नाम आपका जो एड्रेस जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई किए होंगे तो आधार कार्ड के। उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपको एक फोटो को आपको क्लिक करना, उसके बाद फोटो का आइकन दिखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो गोल सा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो आपको क्या करना है उसमें आपको फेस को दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को आपको सही से अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, इसको आपको टिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना, आपको डिजिटल में किसी प्रकार का ऐसे भी करके सिग्नेचर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे चेक किया जा रहा है। उसके बाद से नीचे आपको ऑल राइट कर देना। ऑल राइट करने के बाद यहाँ पे आपका पेंडिंग जो अप्रूवल बता रहा है, यहाँ पेंडिंग जो अप्रूवल पेंडिंग बता रहा है यहाँ पे 48 घंटों के अंदर में आपका जो पेंडिंग जो अप्रूवल हो जाएगा। तो 48 घंटा का टाइम होता है बट थोड़ी देर के अंदर में जो आपका जो अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको वेट करना है, उसके बाद इसको फिर से ओपन करना। देख सकते फिर थोड़ी देर के बाद ओपन इसको मैं थोड़ी देर के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी लिमिट आपका दिया गया होगा देख सकते हैं मेरा जो है 2 लाख का लिमिट दिया गया है। 2 लाख को कहीं भी अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और
अगर आप 2 लाख का लिमिट आप 2 लाख का इस्तेमाल करेंगे और 3 महीना के अंदर में आप 2 लाख को सदा देंगे तो आपको 1 भी रुपया जो है चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 लाख का होता है उसके बाद से आप 3 महीने से ज़्यादा जाएंगे तो आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं। अगर 3 महीने के अंडर में पे करते तो आपको 1 भी रुपया जो है पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपने कार्ड को देखने के लिए कि आपका कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिला हो कार्ड का, आपका कार्ड नंबर क्या है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड का जो यहाँ पर कितना बैलेंस हो दिखा में दे रहा, वीजा कार्ड है आपका कार्ड का नंबर दिखा में देगा। उसके बाद से यहाँ पर टॉप टू सी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड का नंबर दिखाया जाएगा, आपका एक्सपायरी डेट है, सीवीवी नंबर है। उसके बाद से यहीं पर आप इसी नंबर से कहीं पर भी आप डिजिटल तरीके से आप पेमेंट करना चाहते होंगे तो यही कार्ड नंबर सीवीवी नंबर डाल करके कहीं पर भी आप लेन देन कर सकते। उसके बाद से आपका कार्ड जो है बन चुका है, उसके बाद 7 दिनों के अंदर में या 10 दिनों के अंदर में बाय पोस्ट आपके घर पे जो है फिजिकल जो है आपको जो स्लाइस कार्ड जो है आपको फिजिकल जो सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी इनकम प्रूफ के आप बनाते हैं। अगर आप स्लाइस कार्ड में आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेफरल कोड डालना जरूरी है, अगर रेफरल कोड नहीं डालेंगे तो आपका जो है 300 रुपया जो है कैशबैक नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके ऑफर के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो है 300 रुपया अपने बैंक अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करते चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।